हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आया हूँ। ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा हुआ और पूरी तरह से एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इस चीज़ को समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उनके सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो पूरी तरह से इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक, क्योंकि अगर वीडियो आप अंत तक देखोगे तो सब कुछ सीख जाओगे कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाता है, साथ ही न्यूमेरिकल को किस तरह हैंडल करना चाहिए और किस तरह समझना चाहिए, और न्यूमेरिकल को क्या तरीका है सॉल्व करने का जिससे न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हूँ। इस न्यूमेरिकल को आइए पढ़ लेते हैं। तो दे रखा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक यानी जिसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं तथा ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल घटक के मान क्रमशः का मतलब होता है कि क्रम से। तो पहले क्षैतिज घटक दिया तो उसका भी वैल्यू इतना दे रखा है वेबर पर मीटर का स्क्वायर, तथा इसके बाद जो ऊर्ध्वाधर घटक दिया उसका वैल्यू ये दे रखा है। वो तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछते हैं उसी में यही ट्रिक होता है कि देखिए, इसमें पहले पूछ रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। बिना नति कोण का मान ज्ञात किए आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात नहीं कर सकते हो। आप बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि किसी को लेकर आप पागल हो जाओगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जी हाँ, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम यही ट्रिक्स होता है, क्योंकि बच्चों को फंसाना होता है और टाइम को वेस्ट करना होता है। तो पहले आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालना पड़ेगा निकालना है अगर निकालोगे भी तो कोई रास्ता नहीं है। आपको सबसे पहले नति कोण का मान निकाल लेना है। तो आप जानते हो कि जो नति कोण का पहले जो दिया है, देखिए बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो कुछ यूँ होता है। सबसे पहले आपको दे रखा है, लिख देना है कि दिया है, और जो वैल्यू दिया है सबसे पहला काम आपको यही होता है कि उस वैल्यू को लिख देना। देखिए वैल्यू को लिखेंगे तो आपका इसमें दे रखा है पहले क्षैतिज घटक की जो वैल्यू है वो इतना दे रखा है। तो क्षैतिज घटक को एच से दिखाते हैं, आप इसे क्षैतिज घटक हैं जिसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है, क्षैतिज घटक। तो देखिए क्षैतिज घटक की वैल्यू जो दे रखा है उसको आप लिख लीजिए। ये दे रखा है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। कभी कभी इसका जो मात्रक होता है वो इंग्लिश में लिख देता है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है मात्रक को, ठीक है। मात्रक से पहचाना जा सकता है कि अगर कभी आपको न समझ में आए कि ये किस चीज़ की वैल्यू दिया है तो आप उसके मात्रक से आप उसको पहचान सकते हो। फिर उसके बाद वर्टिकल दिया है तो वर्टिकल को भी से दिखाते हैं, वी इसको करते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। देखिए अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। अगर चीज़ें समझ में आती तो आप हर एक चीज़ अच्छा करते हो, या अगर आप वीडियो अभी शुरू किए पता किए कि न्यूमेरिकल देखकर और चले गए यहाँ से कि चलो भाई इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको चीज़ें आती हैं फिर भी आपको देखने से इससे एक अनुभव मिलता है और चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए इसकी भी जानकारी मिलती है। तो ये आपको जो दे दिया क्षैतिज घटक और यह है ऊर्ध्वाधर घटक। अब देखिए आप जो नति कोण का जो आपका फार्मूला होता है वो नति कोण का आप फार्मूला लिख देना है। अब यहाँ पे आपको हल लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको तब हल करना है। नति कोण का जो फार्मूला होता है वो हम जानते हैं, थीटा बराबर होता है 10 इनवर्स V/H, ये होता है। अब देखिए थीटा बराबर इतना हो गया, तो आप ये थीटा हो गया और 10 इनवर्स है, ठीक है, ये हो गया आपका 10 इनवर्स। अब भी की वैल्यू यानी वर्टिकल की वैल्यू दे रखा है उसको आप पुट कर देंगे तो ये 3 × √3 × 10⁵ अपान एच यानी जो हॉरिजॉन्टल दिया है वो दिया 0. हॉरिजॉन्टल आपका कितना दिया 0.3 × 10⁴ ये दिया है। अब देखिए थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स। देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो गया 3 × √3 × 10⁵ ये तो उसी तरह हो गया, ये हो गया आपका। अब देखिए 0.5 है ना, तो इसे हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे 3.0, ठीक है, यानी 10 से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और 10 से इसमें डिवाइड भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁵। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, यानी कि हमने यहाँ पे
इसमें 10 से क्या किया मल्टीप्लाई और 10 से भाग दिया, 10 के भाग दिया तो ये 10 के पावर माइनस 5 हुई है, 10 के पावर माइनस 5 से 10 के पावर माइनस 5 कट गया तो आपका बचा क्या। अब देखिए चीज़ें इस यहाँ पे आपको ऐसे एरो लगाना है, इससे पता चलता है एग्जामिनर को कि आपने इसके बाद जो किया है वो नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ से आपका बचा 3√3/3। अब देखिए जब ये चीज़ आपको बचा ठीक है तो आप इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ से हो गया आपका 3√3 और इस 3 को ठीक है, इस 3 को आप √3/√3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर कितना आ जाएगा 3 ठीक है। इसका बराबर करने पर कितना आता है 3 आ जाता है, यानी इसका अगर इस चीज़ को और डिटेल्स आप समझना चाहें तो यहाँ पे समझ सकते हो कि 3√1 रूट का मान 1/2 होता है गुणित 3√1। देखो मल्टीप्लाई में घाते क्या होती जुड़ जाती हैं तो इन आधा आधा जोड़ करोगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 को क्या √3/√3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो √3/√3 एक अंडर रूट से एक अंडर रूट क्या हो गया कट गया। अब कटने के बाद भी हमारे पास अभी कुछ मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ना कुछ तरीका तो अपनाएंगे ही। देखिए ये 3 है तो 3 को भी तो लिख सकते हैं √3/√3, तो इसको भी लिख दीजिए √3/√3। अंडर रूट से अंडर रूट 3 कट गया और आपका जो बच्चा वो बचकर निकल कर आ रहा है 10√3। अब जानते हैं हम जो √3 होता है वो 10/60 का मान होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये हो जाएगा आपका 10√ फिर √10/60 की वैल्यू होती है। आपको यहाँ पे लिख देना है कि जो √3 होता है वो 10/60 की वैल्यू होती है ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे शो कर देना है क्योंकि 10 से 10 कट गया है। 10 से क्यों, क्योंकि जो 1/2 ये 10√ है, 10√ को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/10 को लिख सकते हैं हम 10√। ठीक है बटा में जब है तो 10 से 10 क्या हो गया कट गया, तो आपका जो थीटा की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 60। और देखिए थीटा की वैल्यू कितना निकल गई, जब 60 निकल गई तो चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन था कि पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही पूछ दिया था, लेकिन अगर आप तीव्रता निकाल लोगे तो यहाँ से कभी ज़िंदगी में तीव्रता नहीं निकलेगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था वो बी बराबर इस फार्मूले में इस चैप्टर में होता है H/cos θ। ये cos थीटा क्या होता है एंगल होता है ठीक है। तो H जो है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू यहाँ पे दिया है 0.3×10⁻⁴ ठीक है। इसको सिंपली आपको क्या कर देना है यहाँ पे पुट कर देना है, देन तो पुट कर दोगे आप तब आएगा क्या 0.3×10⁻⁴ और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे आई है 60, तो cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है ठीक है। यहाँ पे ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो आप सिंपली 1/2 जब आप रख दोगे तो आ जाएगा 0.3×10⁻⁴ cos 60 की वैल्यू 1/2 ये हो जाएगा, तो आपका जो 2 है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.6×10⁻⁴ बी बराबर आपका आ जाएगा 0.6×10⁻⁴ ये हो गया। अगर आप 6 यहाँ पे लाना चाहोगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे तो 6√10⁵ ठीक है। ये आ जाएगा आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका मात्र क्या होता है वेबर पर मीटर का स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर, सिंपली आपको इसको घेर कर ब्लैक पेन से। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 mH है, इसमें वैद्युत धारा 5 ms में 5 A से 15 A हो जाती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आने वाला क्वेश्चन है, आप किसी भी पेपर को उठाकर देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। पहले तो आपको न्यूमेरिकल की भाषा को समझनी चाहिए कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक को किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। तो एल की जो वैल्यू दे रखा है वो 10 mH है, ये मिली में दे रखा है, इसमें वैद्युत धारा 5 mS में 5 A से 15 A हो जाती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ये चीज़ों को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे समस्या ये है कि इसको समझना, ये है दिया है ठीक है, जो भी दिया है जैसा कि मैं बताता हूँ बार बार आपको दिया है उसको सिंपली लिख लेना है। तो अभी एल की जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 10 mH,
दस मिली हेनरी, ठीक है। तो अब इसको आपको हेनरी में बदलना है, तो 10^10^-3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हेनरी में बदल जाएगा। अब इसके बाद इसमें वैद्युत धारा 5 मिली पर सेकेंड, यानी कि जो वैद्युत यानी समय दिया है वो Δt बराबर दिया है 5 मिली सेकेंड, ठीक है, मिली सेकेंड दिया है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको सिंपली सेकेंड में बदल देना, तो 5^10^-3 ये बदल गया आपका सेकेंड में। इसके बाद जो धारा की वैल्यू दी है, सबसे बड़ी बात इसको धारा की समझना है, ठीक है, कि धारा की वैल्यू को हम कैसे रखेंगे। तो ये 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो यानी कि आपको पहले 5 एम्पियर था, उसके बाद 15 एम्पियर बदला, तो 15 एम्पियर से 5 एम्पियर को घटा देंगे तो उसको पता चले कि Δi बराबर होता ही है कि I2 - I1। आई टू की जो वैल्यू है वो 15 एम्पियर है, तो 15 माइनस फिर उसके बाद कितना है 5, इसको घटा दोगे तो अब 10 एम्पियर बचेगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10 एम्पियर। अब इसके बाद क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, इसके बाद आपको सिंपली हल करना है। तो आप हल लिखकर ऐसे करके सिंपली यहाँ से हल कर देना है। तो अगर आप हल करना है तो पूछ रहा है विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल को का सूत्र था E = LdIdt। अब देखिए चीज़ें दे रखा है, सिंपली आपको पुट करना है, सॉल्व करना है। L की जो वैल्यू है वो है 10^-3 माइनस में है, फिर इंटू Δi की जो वैल्यू है वो कितना है 10 एम्पियर, सिंपली रख देंगे। और Δt का जो वैल्यू वो 5^10^-3, माइनस 3 से माइनस 3 कर गया, और यहाँ से 5 × 10, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो आप -20, ठीक है, वोल्ट आ जाएगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के आल पे प्रेस कर लीजिएगा। सब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।